जब आप स्त्री को भोगने की कोशिश नहीं करोगे वो भी आपको भोगने की कोशिश नहीं करेगी। संसार तो स्व के पीछे, जिसके पास पूरा ब्रह्मांड हो, मर्सिडीज अपने पास रखे, कोई मर्सिडीज दे गया, रेंज रोवर दे गया, सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा, होश होने से संसार छूटेगा नहीं, अंतिम तक रहता है भ्रम, मैंने बताया, और जन्म जन्मांतर तक लोग इस भ्रम के शिकार। लेकिन शायद ही कोई बिरला होगा जिसको इसका एहसास होगा कि यार एक दिन मैं भी चला जाऊं। लेकिन आप एक बात ही गौर करना, आज आप अगर आपके घर में शंख हो तो आप उठा और उसमें फूंकने की कोशिश करना, और भ्रम का काम क्या है, भय को बढ़ाना। इसलिए जितने लोग ध्यान शुरू करते हैं शुरुआती चरण तो बहुत खतरनाक है, बैठने नहीं देता, शुरुआती चरण तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपने हमेशा विजातीय शक्तियों को जाना है। तो जब आप शुरुआत करते हैं ध्यान की, जब आप समुद्र मंथन शुरू करते हैं, मन को मथना शुरू करते हैं, सबसे पहले जहर निकलता है, विष। समुद्र मंथन जब आप ध्यान करोगे, मन को मथना शुरू करोगे, तो सबसे पहले विष निकलेगा। पता लगा ध्यान करने से पहले काम प्रभावित होता था, काम परेशान करता था, बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। इसलिए पहली बार में आदमी बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। इसी में 90% लोग ध्यान मान छोड़ देते, अरे जाए तो यार, फालतू मैया जो ने। इसलिए कर्मकांड की तरफ 95% दुनिया खड़ी है, कुछ करना ही नहीं, दूसरा आदमी आपके लिए कर रहा है, पुरोहित। इसलिए पुरोहित की सत्ता को कोई कभी चुनौती नहीं दे सकता। पुरोहित चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, पुरोहित कहता है कि तुम कुछ मत करो, और जब तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम विष भी नहीं झेलोगे, और विष नहीं झेलोगे अमृत भी नहीं झेलोगे, तुम्हें दोनों नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम खुद करोगे, जब तुम पुरोहित को हटा दोगे सामने से, खुद साधना करने बैठोगे, सबसे पहले विष मिलेगा। तो सिंहनाद भयावह, प्रकृति में भय का सूचक, जितना ज्यादा भय बढ़ेगा विजातीय शक्तियों का काम ही है, भ्रम का काम है भय को बढ़ाना, तो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि भय, भ्रम इतना भय को बढ़ा देता है कि कभी कभी जान ले लेता है आदमी की। बहुत बार ऐसा हुआ, कोरोना में तो ऐसा बहुत हुआ, फीवर हुआ, जुखाम हुआ, सर्दी हुई, आम सर्दी जुखाम में सांस लेने में दिक्कत होती, आम। अभी आपको सर्दी जुखाम होगा, देखो आम सर्दी जुखाम में सांस लेने में दिक्कत होती, लेकिन चूंकि उस वक्त चारों तरफ टीवी में दिखाया जा रहा था, ये लाशों की लाइन है, वो लाशों की लाइन है, वहां मर रहे हैं, लखनऊ में ढेरों सारी लाशें जलाई जा रही है, चीन में सड़क पे गिरे हुए लोग, और टर्की में सड़क पे गिरे हुए लोग, उसने भय को बढ़ा दिया। तो ज्यादातर लोग हार्ट फेलियर से मर गए। तो भ्रम का काम है भय की वृद्धि, और जब आप स्त्री को भोगने की कोशिश नहीं करोगे वो भी आपको भोगने की कोशिश नहीं करेगी। संसार कमाना है ना, स्व को कमाना है, स्व, संसार तो स्व के पीछे। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड हो वो क्यों मर्सिडीज अपने पास रखेगा, जरूरत है तो वो भी रख लेगा। अड़गानंद महाराज है, आप उनके आश्रम आइए, उनके नाम से एक रुपया नहीं है, बरचर में आश्रम, पालघर में आश्रम, शक्तेशगढ़ में आश्रम, कोई मर्सिडीज दे गया, कोई रेंज रोवर दे गया, उनका कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ स्व है परमात्मा, एक यथार्थ स्वीट हाउस है इलाहाबाद में, वहां पे एक लड़का बैठता मोहित, उसको बीमारी हो गई थी, नसें फट जाती थी अंदर ही अंदर, कोई दवा हुआ कोई काम नहीं कर रहा था, गया वो महाराज जी के सामने, लेट गया, महाराज जी कहे कि हटाओ यार इसको, वो लेट गया, बच्चा था लेट गया, तो दो डंडा मारे उसको,
उसकी बीमारी ठीक हो गई। अब ये बात कैसे घटी ये मैं आपको जब गीता पे आऊंगा ना, कर्म अकर्म विकर्म का जब सिद्धांत समझाऊंगा तब बताऊंगा। बहुत बड़ा जादू है ये जो संतों के पास है। जल्दी जल्दी वो प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करते। फिर उन्हीं के घर में एक कैंसर के पेशेंट थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। सन्यासी जल्दी, संत महात्मा जल्दी संसार में छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन कभी करुणावश करुणा जो कर्म वो इकट्ठा किए उसमें से थोड़ा सा आपको दे देते, ले आ खुश रहो, आए हो इतना प्यार से। सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा, होश होने से संसार छूटेगा नहीं ब्रह्म छूट जाएगा। अब दोनों सेनाएं इकट्ठा आमने सामने, 13-12 श्लोक, तस्य सृजनयन हर्षम कुरु वृद्धा प्रतामा सिंहनादम विनद्य उच्चे शंखम ददमो प्रतापवान। अब मैं को खुश करने के लिए दुर्योधन को किस पे भरोसा है, मैं को किस पे भरोसा है, मैं को अगर जिंदा रहना है, मैं यानी दुर्योधन। अब दुर्योधन जानता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो भ्रम का जिंदा रहना जरूरी है, यानी भीष्म सबसे वृद्ध है, पितामह अंतिम तक रहता है भ्रम, मैंने बताया, और जन्म जन्मांतर तक लोग इस भ्रम के शिकार हैं। हम सब अपने अगल बगल कितनी मौतें देखते हैं, कभी कभी घर में भी देखते हैं, घर के बाहर देखते हैं, लेकिन शायद ही कोई बिरला होगा जिसको इसका एहसास होगा कि यार एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, शायद। तो भीष्म जो पितामह है यानी भ्रम, वो मैं को खुश करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए शंखनाद करते हैं। शंखनाद यानी उद्घोषणा, पराक्रम की घोषणा। लेकिन आप एक बात गौर करना, आज आप अगर आपके घर में शंख हो तो आप उठाना और उसमें फूंकने की कोशिश करना, फूंकने से शंख नहीं बचता, आप गौर करिएगा। अगर आपके घर में शंख है तो आज आप शंख उठाइए, नहीं भी है तो खरीद के लाइए, बड़ा बड़ा चमत्कारिक चीज है शंख। आपको पता है आपकी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो फूंकने से नहीं बचता। और शंख जो है मोलुसस, जो स्पाइनलेस जीव होते हैं वो उसमें होते हैं। शंख का सीधा संबंध मेरुदंड से है, स्पाइन से है। आप कोशिश करिए फूंक के बजाने की, फूंकते रहिए नहीं बजेगा। शंख जो है आंतरिक शक्ति से बचता है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पहली बार में कोई शंख नहीं बजा सकता। भारतीय संस्कृति में जो भी चीजें कहीं जुड़ी हुई हैं, नंदी मंदिर के बाहर बैठे हैं, आप जाओ किसी शिव मंदिर में आप देखोगे भगवान अंदर नंदी बाहर और नंदी बाहर बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा धैर्य। भगवान को पाने का बस एक ही सूत्र है, धैर्य। इसलिए तो ध्यान करना संभव नहीं हो पाता। लोग पूछते हैं ध्यान में करना क्या है, करना ही तो कुछ नहीं है, हम हर चीज करने के आदि हैं। बस दुनिया में एक ही चीज है जिसमें कुछ करना ही नहीं। अब 99 चीजें करना है, प्रेम करना है, पढ़ाई करना है, लड़ाई करना है, पूजा करना है, सब करना है, ध्यान बस बैठ के प्रतीक्षा करना है, वो बैठना ही चुनौती है। शंख उद्घोषणा किसकी, शक्ति की। शंख सांस से नहीं बजेगा, शक्ति से बजेगा। आज आप ट्राई करना, आज आप कोशिश करके देखना।